गंगापुर सिटी में पांचवी क्लास की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहले ही दिन कई अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। शिक्षा विभाग और स्कूल की लापरवाही से मासूम बच्चे चिलचिलाती धूप में परीक्षा देते नजर आए। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल में क्षमता से ज्यादा बच्चों का सेंटर देने से उन्हें सही तरीके से बैठने तक की जगह नहीं मिली। इस अव्यवस्था के चलते बच्चे बरामदों में परीक्षा देते नजर आए। राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल वजीरपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जहाँ बच्चों ने तेज धूप में बैठकर परीक्षा दी। चिलचिलाती धूप में परीक्षा देते समय बच्चे काफी परेशान दिखे। शिकायत के कुछ देर बाद प्रबंधन ने आनन फानन में बच्चों को वहां से हटाकर अंदर लैब में बैठाया। इसके अलावा दूसरे स्कूलों में भी कमोबेश ऐसा ही हालात दिखाई दिए। परीक्षा देने के लिए पहुंचे बच्चों के लिए दरी पट्टी तक की व्यवस्था नहीं थी। तेज गर्मी के मौसम में कई जगहों पर पंखे तक नहीं थे। ऐसे में स्टूडेंट्स को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। टाइम 8 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। गंगापुर सिटी में पांचवी क्लास की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहले ही दिन कई अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। शिक्षा विभाग और स्कूल की लापरवाही से मासूम बच्चे चिलचिलाती धूप में परीक्षा देते नजर आए। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल में क्षमता से ज्यादा बच्चों का सेंटर देने से उन्हें सही तरीके से बैठने तक की जगह नहीं मिली। इस अव्यवस्था के चलते बच्चे बरामदों में परीक्षा देते नजर आए। राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल वजीरपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जहाँ बच्चों ने तेज धूप में बैठकर परीक्षा दी। चिलचिलाती धूप में परीक्षा देते समय बच्चे काफी परेशान दिखे। शिकायत के कुछ देर बाद प्रबंधन ने आनन फानन में बच्चों को वहां से हटाकर अंदर लैब में बैठाया। इसके अलावा दूसरे स्कूलों में भी कमोबेश ऐसा ही हालात दिखाई दिए। परीक्षा देने के लिए पहुंचे बच्चों के लिए दरी पट्टी तक की व्यवस्था नहीं थी। तेज गर्मी के मौसम में कई जगहों पर पंखे तक नहीं थे। ऐसे में स्टूडेंट्स को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। टाइम 8 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। गंगापुर सिटी में पांचवी क्लास की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहले ही दिन कई अव्यवस्थाएं सामने आई हैं। शिक्षा विभाग और स्कूल की लापरवाही से मासूम बच्चे चिलचिलाती धूप में परीक्षा देते नजर आए। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल में क्षमता से ज्यादा बच्चों का सेंटर देने से उन्हें सही तरीके से बैठने तक की जगह नहीं मिली। इस अव्यवस्था के चलते बच्चे बरामदों में परीक्षा देते नजर आए। राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल वजीरपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जहाँ बच्चों ने तेज धूप में बैठकर परीक्षा दी। चिलचिलाती धूप में परीक्षा देते समय बच्चे काफी परेशान दिखे। शिकायत के कुछ देर बाद प्रबंधन ने आनन फानन में बच्चों को वहां से हटाकर अंदर लैब में बैठाया। इसके अलावा दूसरे स्कूलों में भी कमोबेश ऐसा ही हालात दिखाई दिए। परीक्षा देने के लिए पहुंचे बच्चों के लिए दरी पट्टी तक की व्यवस्था नहीं थी। तेज गर्मी के मौसम में कई जगहों पर पंखे तक नहीं थे। ऐसे में स्टूडेंट्स को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। टाइम 8 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।